दोस्तों, गैजेट एंड टेक एडवाइस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन फाइनली बंद हो रही है। अनाउंसमेंट हो गई है कि लास्ट डेट 30 नवंबर की है। उससे पहले आपको अगर अपना पुराना नंबर अगर प्यारा है तो दोस्तों आप वो बदलवा लीजिए, किसी और कंपनी में पोर्ट करवा लीजिए। नंबर वही रखना हो और कंपनी चेंज करनी आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। तो दोस्तों, आपको करना ये है बस कि आपको किसी भी कंपनी जो आपको अच्छी लग रही होगी, जो आपको अच्छे ऑफर्स दे रही हो, और सबसे मेन बात जो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चल रही है कि जो कंपनी आपको लग रही हो कि फ्यूचर में बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि इधर काफ़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। टाटा डोकोमो पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वो बंद होनी ही होनी है, और यहाँ पर रिलायंस की भी अनाउंसमेंट हो ही गई है। और एक और कंपनी है जो काफ़ी खतरे में नज़र आ रही है इधर, वो है एयरसेल। और उसके बाद कौन कौन सी बंद हो सकती है ये अनुमान लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। तो कहा जा सकता है कि यह सिर्फ यह ज़्यादा से ज़्यादा इतना नुकसान सिर्फ और सिर्फ जियो की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, आप ये आपकी चॉइस है कि आप किस कंपनी में जाएं, किस कंपनी के प्लान्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात उठती है कि आखिर हम कंपनी में पोर्ट कैसे कराएं। तो दोस्तों, आप किसी भी स्टोर में जाने लगे एक काम करें कि अपने मोबाइल से आप एक प्रोसेस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कर लें। उसके बाद आपके पास जब मैसेज आ जाए उसके बाद ही आप स्टोर पे जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि अगर आप स्टोर पे गए और वहां पे आपका रिलायंस का नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो दोस्तों काफ़ी समय आपका वेस्ट हो सकता है, जैसा कि आज खुद मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए आपको इस बात की पहले ही मैं वार्निंग दे दे रहा हूँ कि दोस्तों पहले आप अपना पोर्ट नंबर मंगवा लीजिए। जब आपके पास मैसेज रिसीव हो जाए तो वो पोर्ट नंबर लेके फाइनली ही किसी स्टोर पे जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी बातें आपको डिटेल से बताऊंगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल गैजेट एंड टेक एडवाइस नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही गैजेट और टेक से रिलेटेड नई नई न्यूज़ लाते रहते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं जो आपके काफ़ी डेली यूजर्स में काम आ सकती हैं। तो दोस्तों, बेझिझक सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ये आपकी चॉइस है। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों, आपको करना बस ये है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना है कैपिटल लेटर्स में PORT, यानी कि पोर्ट। उसके बाद अपना 10 डिजिट का आपको रिलायंस का नंबर अपना एंटर करना है। इसके बाद आपको भेज देना है 1900 पे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सेंड करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे ये नंबर अपना पोर्ट नहीं कराना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ ही देर बाद अगर आपका रिलायंस में अभी नेटवर्क आ रहा है तो आपको तुरंत 1901 के नंबर से एक मैसेज आ जाएगा पोर्ट का, जो कि 14 से 15 दिन तक वैलिड रहेगा पोर्ट नंबर। वो मैसेज आपको डिलीट नहीं करना है। उस नंबर को आप लेकर जाएंगे किसी भी स्टोर में, जिस स्टोर में आपको नंबर अपना कन्वर्ट कराना है। एयरटेल में करवाना है तो आप एयरटेल स्टोर जाइए, आईडिया में करवाना है तो आईडिया स्टोर में जाइए, वोडाफोन तो वोडाफोन स्टोर, जियो में जाना है तो जियो स्टोर। तो दोस्तों, बस आपको करना ये है कि इन स्टोर्स में जाकर आपको अपना ये नंबर देना है, पोर्ट नंबर जो कि आप पे आएगा। उसके बाद आपका पोर्ट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको इस कोड का यूज़ 15 दिनों के अंदर ही कर लेना है, ये भी आपको मैसेज के साथ लिख कर आ जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद आपको एक वार्निंग भी ये आएगी कि यह नंबर आप किसी के साथ शेयर ना करें, ये मैसेज किसी और को सेंड ना करें। और ये दोस्तों सही बात भी है, वरना आपका नंबर किसी और के पास चला जाएगा। तो दोस्तों, इस कोड को बचा कर रखें, सावधान रहें, वरना आपका नंबर किसी और के पास चला जाएगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के पास चली जा सकती हैं, तो सावधान रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट जरूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल गैजेट एंड टेक एडवाइस जरूर सब्सक्राइब करें।